सपा बसपा के बाद कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। गौरतलब है कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से कांग्रेस को भुआ और बबुआ ने नील बटा सन्नाटा बनाकर उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया, उसी तर्ज पर अब चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु दशम पार्टी भी कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ महागठबंधन करने के मूड में नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ नेता के मुताबिक उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहती है, न कि किसी गठबंधन के साथ। इसके पीछे का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस की छवि आंध्र प्रदेश में बहुत खराब है, इसलिए पार्टी चाहती है कि आगामी लोकसभा चुनाव टीडीपी अकेले लड़े। जानकारों की माने तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान टीडीपी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा उससे उन्होंने सबक लिया और 2019 लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला किया है। अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका होगा, क्योंकि महागठबंधन की जिस नींव पर किला बनाकर प्रधानमंत्री बनने का सपना राहुल गांधी देख रहे हैं वो शुरू होने से पहले ही ध्वस्त हो जाएगा। कई राज्यों की स्थानीय पार्टी कांग्रेस की खराब छवि के कारण महागठबंधन की बजाय अकेले चुनाव लड़ने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव राहुल गांधी एकला चलो रे के फॉर्मूले पर ही लड़ेंगे? चुनाव से पहले ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल की घड़ी है। आलम यह है कि अब कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी से स्थानीय दल भी कन्नी काटने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।